अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे बुरी उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो यार वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर जो है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट जो है मैंने शेयर करनी है। इन 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहले तो जो है हम PMGO के अजीब से रूल्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे टीम IET के स्पॉन्सर्स के रिलेटेड भी जो है वो काफ़ी बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आई है, तो उसके ऊपर जो है वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल जो है हमारी वीडियो पूरी की पूरी PMGO से ही जो है वो लिंक्ड है सारी की सारी। तो सबसे पहले तो जो है हम डिस्कस करेंगे PMGO के रूल्स के रिलेटेड। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, PMGO जो है वो PUBG मोबाइल का एक ऑफिशियल इवेंट है जो कि इस साल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें PUBG मोबाइल रीजन के अंदर जितने भी रीजन हैं उनकी टॉप टीम्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हुई आपको नज़र आएंगी। तो अभी जो है वो इसका क्वार्टर फाइनल फेज़ होने वाला है, जो कि वो भी एक लैन इवेंट है, और इसका जो मेन इवेंट है वो भी एक लैन इवेंट होगा ब्राज़ील के अंदर। तो उसी के जो है वो मैं आपको रूल्स जो है वो बताने लगा। पाकिस्तान की 2 टीम 7E और टीम IET ने जो है वो क्वालिफाई किया फॉर क्वार्टर फाइनल्स जो कि लैन इवेंट के अंदर होने वाले हैं इन ब्राज़ील। तो उसके रूल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अजीब से जो है वो रूल्स इस दफ़ा आए हैं PMGO के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एक लैन इवेंट होने वाला है और ये ब्राज़ील के अंदर होगा। तो जितने भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं एक टीम के, जो ट्रैवल करके आपने जाना होता है दूसरी कंट्री, वहाँ पे आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो है वो खर्चे वगैरह होते हैं। तो इस दफ़ा PUBG वालों ने ये जो है वो टीम्स को कहा कि जितने भी खर्चे वगैरह होंगे वो आप अपने खुद जो है वो करेंगे। तो PUBG वाले जो है वो उसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे होंगे, ना टिकट्स के पैसे दे रहे होंगे PUBG वाले, और ना ही जो है वो आगे अकोमोडेशन जितनी भी होती हैं वो सारी टीम्स को जो है वो खुद जो है वो करनी पड़ेगी सबकी सारी। तो ऐसा सीन है कि अगर आप टोटल राउंड टू राउंड भी जो है वो खर्चा वगैरह सारा निकाल लें तो वो जो प्राइस पूल जो बनता है PMGO का ये क्वार्टर फाइनल्स वगैरह का, उससे ज़्यादा जो है वो खर्चा जो है वो टीम्स का ट्रैवलिंग के ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो ये जो है वो एक काफ़ी वियर्ड सी इन्होंने चीज़ निकाली है। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ही ऐसे हो रहा है कि ऑफिशियल इवेंट के अंदर जो है वो टीम्स को खुद जो है वो अपने अपने एक्सपेंसिस के ऊपर जो है वो सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर आप एक पाकिस्तानी टीम है तो आप अकेले जो है वो इतना खर्चा जो है वो नहीं जो है वो मोस्टली अफोर्ड कर सकते, या फिर जो है वो ये एक नई रिस्क ले सकते इतने का। तो स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो हमारी पाकिस्तानी टीम्स अब देख रही हैं, और इसी स्पॉन्सर वाले सीन के अंदर ही जो है वो ये न्यूज़ निकल के आई है कि टीम IET और एगोन की जो है वो पार्टनरशिप अब ख़त्म होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये PMGO की वजह से हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा हो। तो लेट्स सी, एगोन के साथ जो है वो टीम IET ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेस देखी है, और काफ़ी जो है वो ये एक अच्छा टाइम रहा है टीम IET का एगोन के साथ। तो वो विश दम ऑल द बेस्ट। बाकी हमारी जो दोनों टीम्स हैं पाकिस्तानी, वो भी स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो ढूंढ रही हैं ताकि ब्राज़ील वगैरह के जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह और आगे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी जो है वो टीम्स की आगे स्पॉन्सर्स के साथ जो है वो चल पाए, और टीम जो हमारी दोनों है वो ब्राज़ील के अंदर जो है वो जाके परफॉर्म कर पाएँ। तो मेनली जो है वो भी कुछ र्यूमर्स भी जो है वो निकल के आए हैं, अभी ये रिसेंट र्यूमर्स ही हैं, इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 141 जो है वो टीम 141 IET को जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है। और ये इसकी जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स किसी को भी नहीं बताई, ये र्यूमर्स ही जो हैं वो चल रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। तो हो सकता है PMGO के लिए स्पॉन्सर हो सकता है ये लॉन्ग टर्म जो है वो स्पॉन्सरशिप हो। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी इसके रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बाकी अगर टीम IET के साथ कोई स्पॉन्सर जाके अभी जुड़ भी जाता है तब भी PMGO खेलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है वो वीज़ा है, और आपको तो पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर वीज़ा लगवाना जो है वो कितना जो है वो मुश्किल काम है, चाहे वो किसी भी जो है वो कंट्री का क्यों ना हो। तो जितनी भी क्वार्टर फाइनल्स की टीम है PUBG मोबाइल ऑफिशियल्स ने जो है वो कम्युनिकेट किया टीम्स को कि आपने जो है वो 18 तारीख से पहले पहले जो है वो हमें अपने वीज़ा शो करवाने और जो हमें टिकट्स हैं वो शो करवानी है ब्राज़ील की। तो और अगर आप जो है वो नहीं शो करवाएंगे तो जो आपकी स्लॉट होगी वो आगे जो है वो किसी टीम को दे दी जाएगी। तो ये जो है वो इसके अंदर पूरा का पूरा सीन अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और टीम IET और जो हमारी 7E दूसरी टीम है, उन दोनों को जो है वो सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स जो है वो मिलना काफ़ी ज़रूरी है, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनमें से एक को जो है वो स्पॉन्सर मिल ही जाएगा। और स्पॉन्सर मिलने के बाद जो है वो मेनली वीज़ाज़ और टिकट्स वगैरह जो है वो टाइम पे होना ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी पाकिस्तानी टीम्स हैं उनकी स्लॉट किसी और को जो है वो दे दी जाएगी। तो मेक श्योर यार आपने वीडियो के नीचे मुझे बताना है आपको ये PMGO के जो रूल्स वगैरह हैं ये किस तरह के जो हैं वो लगे हैं, और क्या जो है वो PUBG मोबाइल ने जो है वो क्या पी के जो है वो ये इवेंट जो है वो करवा रहे हैं।
और इसी के रिलेटेड जितने भी कोई आगे अपडेट्स वगैरह आएंगे वहाँ मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ईस्पोर्ट्स गाय पी के जो है वो मेरा यूज़र नेम है। तो यार मिलेंगे आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।